पुलिस जैसे ही हमको मेरे मोबाइल का मांग करेगी, जो सहयोग की बात करेगी, मैं उसको आधा घंटा में उपलब्ध करा दूँगा। चूँकि पुलिस में मैं हमारा पारिवारिक एक कार्यक्रम में हम उड़ीसा गए हुए थे, जैसे ही हमको पता चला, हमने रातों रात प्राथमिकी दर्ज किया। यदि हमको इतना डर भय होता तो हम क्यों प्राथमिकी दर्ज करते? पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि इसका फॉरेंसिक जांच हो जाए, दोनों मोबाइल का फॉरेंसिक जांच हो जाए और पुलिस आज मांगे आज देने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश हुआ है और ये साजिश करके इसका एडिटिंग मॉर्ब और क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं उतना तो हम घर पर नहीं करते ना, हम क्या बोलेंगे। तो ये सब हुआ है तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे हम लोग को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा लगा के बता दिया फलना दुकान फलना, मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन ये लोग बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे, क्या चाहते हैं भाई, क्या जुलूम कर दिया, कैसा जुलूम हो गया। हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं? बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी होना चाहिए। अरे ईडी और सीबीआई क्या होगा तो भगवान ही मालिक है, खैर उस पे हम नहीं बोलते हैं। तो बोले मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है अमेरिका तक जी, मल्टी मोड का नाम सुने हैं अमेरिका में, वहां भी माल देने के लिए वहां भी लड़का को भेजा है माल जी अपना अकाउंट से, पता कीजिए ना कौन है कौन मोड है। बाल्टी मोड ना कहा बोलता है अमेरिका, हम बाल्टी अमेरिका में है ऐसे कुछ नाम है जी, ऐसे कुछ नाम है बोलता है बाल्टी मोड है ना जी। हाँ तो बाल्टी मोड तो है, हम तो आज तक हम माँ भारती से प्यार करने वाले लोग हैं, हम तो मातृ वतन से चाहने वाले लोग हैं, माँ भारती से प्यार करते हैं, तो अपने भारत में घूरते रहते हैं, अब हम तो अमेरिका जापान ही ना गए हैं, लेकिन वहां तक भी पैसा पूछा है। सवाल अब ले लिया जाएगा, आप कम से कम दो दिन में डीएनए टेस्ट करवा लीजिए तो देखें कम से कम आप भी कितने नैतिक और चरित्रवान हैं। कि भाई प्रेस के लोग भी जब सीपी सिंह की बात होती है तो आप लोग चलाते कम हो, आप उसको भी उठाइए ना, कौन पाया तकिया लगाया दाया तकिया लगाया, कौन आड़ा सोया पाया सोया क्या सोया, जब यही सब बात हो रही है और कई और लोग जो हैं, आज भी हम वहां पर गए, एक नेता ने कहा देखिए हमने भी एक एफआईआर किया है, हमारा भी ऐसे ही जो है मॉर्ब कर दिया है, तो हमने भी वो कतरास ने कहा धनबाद का कोई नेता था बताया कि हमने एफआईआर किया, पता कीजिए। तो ये खाली बन्ना गुप्ता के लिए ही सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आपको इस बात का डर घुस गया है, क्योंकि आपने देख लिया कि हम शक नहीं रहे हैं। तो हम बैकवर्ड है पिछड़ा है कमजोर वर्ग की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप हमको क्या सोच रहे हैं कि हम मोगा मुगी हैं, कि कोनो कायर कमजोर हैं, कि आपसे डर जाएंगे? अरे मर्द हैं तो आप आइए सामने लड़ने के लिए, आप भी आइए मर्द की तरह और फ्रेंड करिए, बोले हाँ हम भी बन्ना गुप्ता बताएंगे, आप भी बताइए सार्वजनिक करके, क्या आप ब्रह्मचर्य पूजा कर रहे हैं? तो महिला कौन बैठ रही है आपके साथ, कौन है ये महिला जिस जो बैठती है आपके साथ,
अब बताइए रामाचार्य पूजा कर रहे हैं कौन है महिला कौन है दिखाइए ना इधर चुरा कीजिएगा मंत्री जी तो ये महिला कौन है आप बताइए और ये लड़का कौन है और आप ये भी बताइए कि जो पूर्व में आपकी धर पत्नी थी मुझे नहीं कहना चाहिए वो स्वर्गीय हो गई है तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है क्या अस्वाभाविक है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे मैं तो आज तक मैंने नहीं देखा उनका कहीं तस्वीर यदि तस्वीर होती तो मैं भी जाके पुष्प चढ़ाता उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता लेकिन हर हल्फनामा में चूड़ी कंगना की बात जरूर आ जा रही है तो जांच होनी चाहिए देखिए प्राथमिकी दर्ज है एसएसपी बोल रहे जांच चल रही है लेकिन साजिश कॉन्स्पिरेसी किसने किया है किन लोगों ने सबसे पहले किन लोगों का पेट में दर्द हुआ है और कौन लोग इसको साजिश करके निकाला है वो जांच होनी चाहिए कौन आरोपी है आईटी एक्ट क्या बोलता है बताइए तो मैं कहां हूं मैं तो वही बोल रहा हूं कि मॉर्ब कर रहा है एडिटिंग कर रहा है क्या कर रहा आप कभी बोलिए ना निकाल देंगे जी आप बोलिए आप निकाल देंगे ऐसा जानकार लोग आ गया हमारे पास सर सबसे पहले जो वीडियो है सर वीडियो में आवाज भी आ रहा है मतलब ये वीडियो आपका है कि ये मेरा वीडियो नहीं है ये मेरा वीडियो नहीं है ये वीडियो में पूरा एडिटिंग है और पता नहीं इस वीडियो को और किस टाइप से वीडियो पेश करेगा हम तो स्वागत करेंगे और जब करेगा तो हम जवाब देंगे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई जब आप बताइए जब उन्होंने खुद कह दिया उन्होंने क्या कहा पहले तो एक हमारी दूसरी बहन आयुषी बंधन का नाम दे दिया कुछ लोगों ने चला दिया उसका नाम जब उसने ये किया FIR कर दिया तो वो मामला को फिर दब गया फिर ये हमारे चाचा गोपीचंद जासूस ले आए कि फलना दुकान फलना जगह फलना गाड़ी से निकला बेगनार से निकला तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है वो बयान का कोई मतलब नहीं अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है तो आपको बेगनार मालूम है छो मालूम है नौ मालूम नहीं है नौ मालूम है छो मालूम नहीं है अरे ऐसा ना कर रहे हैं बन्ना जी बन्ना जी आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सबके पीछे जिस गोपीचंद जासूस की आप बात कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे एक मानहानि का ऑलरेडी केस चाईबासा कोर्ट में दर्ज है अच्छा नैतिकता देखिए कभी आपने कहा मानहानि नैतिक मूल्य देखिए इन्होंने भी एक मानहानि का केस उसी अदालत में किया किसी और पर और उसी अदालत में मैंने मानहानि का केस किया जिसको माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया और इनको नोटिस हुआ लेकिन ये कोर्ट में अपने केस में ये पेश हुए लेकिन कोर्ट के जज साहब या जो वकील लोग हैं उन लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका इसमें केस चल रहा है आप इसमें हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं तो वहां नैतिकता नहीं है मतलब कड़वा कड़वा छू छू मीठा मीठा आह आप तो चाचा कम से कम जब ये पेपर में छप गया तो मेरा सुझाव है करना नहीं करना आपकी मर्जी है हमको आप पर नहीं थोप रहे हैं लेकिन चाचा ये सब बात आ रही है तो आप नैतिकता की बात हो रही है तो मेरा ये जरूर सुझाव होगा कि जब आप पेपर में आया है कि DNA टेस्ट करवा लें तो करवा लीजिए वो महिला और एगो कौन लड़का है और ये है इनका करवा के सार्वजनिक कर दें चूँकि ये बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि मंत्री जी को अपना मोबाइल जो है दे देना चाहिए अरे मैं कब मना कर रहा हूँ मोबाइल देने के लिए अभी पुलिस कहे अभी तुरंत मेरे पास मोबाइल है मैं तुरंत का तुरंत मोबाइल आपके सामने हैंडओवर करूँगा और मैं भी मांग करता हूँ कि ये मोबाइल तुरंत पुलिस ले
चूंकि मैं आरोपी नहीं हूं और वो महिला भी आरोपी नहीं है, भुक्त भोगी है।